पाकिस्तान के हार के बाद शाहीन अफरीदी को लेकर मचा है बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज रह चुके शाहिद अफरीदी इन दिनों शाहीन अफरीदी से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। मैच में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले अपने दामाद शाहीन अफरीदी को लेकर शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान भी दिया है। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि शाहीन ने बिल्कुल भी अच्छी गेंदबाजी नहीं की है और यही वजह है कि टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल ICC T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। मैच के 15वें ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगी, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान के गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके और खूब रन लुटाए, इस वजह से टीम का खिताब जीतने का सपना टूट गया। इसी से खफा शाहिद अफरीदी ने कहा है कि शाहीन को 19वें ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए थी। उन्होंने साफ कहा है कि वे शाहीन के प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर हसन अली उस ओवर में कैच छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेंदबाजी की गति नहीं बदल सकते, भूल जाओ और 3 छक्के लगाओ। शाहिद अफरीदी ने कहा है शाहीन एक अच्छे गेंदबाज है और उसके पास बेहतरीन गति है, उन्हें सेमीफाइनल मैच में इसका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए था। आपको ये भी बता दें कि पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बेटी अक्षा की शाहीन अफरीदी के साथ शादी को लेकर चर्चा चल रही है। अक्षा और शाहीन की सगाई हो चुकी है, दोनों परिवारों ने इस रिश्ते की पुष्टि भी कर दी है। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।